उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायकों को लगातार मिल रही धमकी में आज मुरादाबाद का नाम भी जुड़ गया। मुरादाबाद शहर की सीट से विधायक रितेश गुप्ता को सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर 10 लाख रुपए मांगे और न देने पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे डाली। शाम को अपना मैं व्हाट्सएप चेक कर रहा था तो उस व्हाट्सएप में कोई एक इंटेंशन नंबर से एक धमकी मेरे को मिली है। उसमें उसने कहा है उस व्हाट्सएप में कि आप पे हमने निगाह रखी हुई है और 3 दिन के अंदर 10 लाख रुपए का इंतजाम कर दीजिए। कितने का? 10 लाख रुपए का जी इंतजाम उसमें करने के लिए रंगदारी मांगी गई है। उसमें कहा है कि 3 दिन के अंदर 10 लाख रुपए नहीं दिए तो उसमें हत्या कर देंगे परिवार के लोगों की और मेरी हत्या करने की धमकी उसमें दी गई है। सर आपने अवगत कराया इस धमकी को अभी किसी अधिकारी या मंत्री मुख्यमंत्री साहब से? मैंने बात की है माननीय मुख्यमंत्री की, अभी मैंने बात की है और SSP साहब ने इसमें तुरंत कार्रवाई के आदेश भी किए हैं। SP सिटी को तहरीर मैंने SP सिटी के पास भिजवा दी है और उस पर पुलिस अपना काम कर रही है। और एक मैसेज के साथ साथ कल रात का 1:50 पर एक वीडियो कॉलिंग भी उसी नंबर से पड़ा हुआ है लेकिन रात में वो फ़ोन में रिसीव नहीं कर पाया था तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी फ़ोन करने किया गया है मेरे को। यूपी की कानून व्यवस्था का हाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस प्रदेश में विधायक सेफ नहीं है उस प्रदेश में आम जनता की सेफ्टी की बात कौन कर सकता है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।